How are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study central idea of the poem class 11th poem number 4 Childhood composed by मार्कस नेटन. मार्कस नेटन के द्वारा कंपोज की गई पोयम चाइल्डहुड का हम यह पर सेंट्रल आइडिया स्टडी करने वाले हैं. चाइल्डहुड का मीनिंग है बचपन. इस पोयम में चाइल्डहुड नाम की पोयम में मार्कस नेटन ये दर्शाना चाहते हैं, ये हम पाठकों को बताना चाहते हैं कि कवि इस कविता के माध्यम से हम सब पाठकों के सामने ये भाव रखता है कि बचपन जो बहुमूल्य है उसके बारे में कवि अपने क्या मनोभाव प्रकट करता है. तो इस कविता में कवि उन मनोभावों को व्यक्त करता है जो वह अपने बचपन के खो जाने पर अनुभव करता है. यानी कि बचपन निकल जाता है और हम युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, तब हमें अपने बचपन की याद आती है, उसके आनंद याद आते हैं, उस बचपन को हम अनुभव करते हैं. वह महसूस करता है कि अब वह समझदार हो गया है और वह बड़े लोगों के दिखावे वाले व्यवहार को भी समझने लगा है और उसमें तार्किकता आ गई है, परंतु उसे उस मासूमियत की, उस भोलेपन की कमी महसूस होती है जो एक शिशु के चेहरे में छिपी होती है. तो इस कविता के माध्यम से पोएट मार्कस नेटन बचपन के मनोभावों को, बचपन के आनंद को, बचपन की पवित्रता को, निष्कपटता को व्यक्त करता है. तो आइए हम स्टडी करते हैं चाइल्डहुड नाम की इस पोएम का सेंट्रल आइडिया. इन द पोयम, इस पोयम में द पोएट थिंक्स ओवर हिज लॉस्ट चाइल्डहुड. इस पोयम में, इस कविता में कवि अपने खोए हुए बचपन के बारे में चिंतन करता है, विचार करता है, सोचता है. ही वंडर्स अबाउट द मोमेंट Where he lost his innocence. He wonders, वह विचार करता है, सोचता है about the moment, उस क्षण के बारे में, where he lost, कि उसने कहाँ खो दिया है the innocence, भोला भालापन, कि उसने अपना भोला भालापन कहाँ खो दिया है. वह उस क्षण के बारे में विचार करता है एंड रियलाइज्ड, और महसूस किया, अनुभव किया, एहसास किया दैट द वर्ल्ड इज नॉट व्हाट इट सीम्ड टू बी. उसने महसूस किया द वर्ल्ड, दैट द वर्ल्ड इज नॉट, कि यह संसार उस प्रकार का नहीं है What it seemed to be, जिस प्रकार का यह प्रतीत होता था, जैसा लगता है उस प्रकार का यह संसार नहीं है. इसमें तो वास्तविकता कुछ और है और बाहर से दिखाई कुछ और देता है. He recalls, वह याद करता है, स्मरण करता है when his thoughts changed, जब उसके विचार बदल गए
जब उसके विचार बदल गए तो वह स्मरण करता है, याद करता है, एंड ही रियलाइज्ड, और उसने एहसास किया, महसूस किया या अनुभव किया द फॉल्स बिहेवियर ऑफ द पीपल अराउंड हिम, उसने अपने चारों ओर के लोगों के फॉल्स बिहेवियर, दिखावे वाले व्यवहार, झूठे व्यवहार को उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर के जो लोग रहते हैं वे दिखावे वाला व्यवहार करते हैं। इस बात को पोएट ने महसूस किया, एहसास किया। ही कंक्लूड्स, और वह निष्कर्ष निकालता है दैट हिज चाइल्डहुड हैज गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस। ही कंक्लूड्स, वह निष्कर्ष निकालता है दैट हिज चाइल्डहुड, कि उसका बचपन हैज गॉन, चला गया है, टू सम फॉरगॉटन प्लेस, किसी भूले हुए स्थान पर। यानी कि उसका बचपन एक ऐसे स्थान पर चला गया है जिस स्थान को वह भूल गया है, उसे उस स्थान की जानकारी ही नहीं है जिस स्थान पर कवि का बचपन चला गया है। एंड इट कैन ओनली बी फाउंड इन द इनोसेंट फेस ऑफ एन इन्फेंट। इट कैन ओनली बी फाउंड, और ये बचपन केवल पाया जा सकता है इन द इनोसेंट, भोले भाले फेस, चेहरे में, ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट कहते हैं शिशु या बच्चा, और ये बचपन केवल एक भोले भाले, एक बच्चे के, एक शिशु के भोले भाले चेहरे में ही देखा जा सकता है। इस बात को कवि समझता है, निष्कर्ष निकालता है कि उसका बचपन तो किसी भूले हुए स्थान पर चला गया है, एक ऐसे स्थान पर चला गया है जिसके बारे में वह भूल चुका है, और ये बचपन, खुशियों से भरा बचपन, भोला भाला बचपन, अब केवल एक शिशु के भोले भाले चेहरे में ही देखा जा सकता है, या उस भोले भाले शिशु के भोले भाले चेहरे में ही ये बचपन छिपा हुआ है, अन्यथा कहीं नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चाइल्डहुड नाम की पोएम का सेंट्रल आइडिया। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।